ब्रह्म विद्या में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 श्लोक 10 से कर्म और उसके असर से मुक्ति के महत्व को समझेंगे। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। इस श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर संग्रह करने की भावना त्याग देता है, उस पर पाप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे जल में कमल का पत्ता निर्लेप रहता है, प्रकाश योगा ऑफ ब्रह्म विद्या के माध्यम से हम अपने कर्मों को इस प्रकार से करने का अभ्यास करते हैं, जिससे हम अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखते हैं। आइए इस श्लोक को अपने जीवन में अपनाएं और प्रकाश योगा ऑफ ब्रह्म विद्या के माध्यम से अपने कर्मों में स्थिरता और शुद्धि को प्राप्त करें। पाइए हेल्थ, हैप्पीनेस और सक्सेस। धन्यवाद।